गुजरात की धरती ने बढ़ाई नासा की धड़कन। गुजरात में मिला मंगल ग्रह का सीधा कनेक्शन। भारत के पास ब्रह्मांड का सबसे अनमोल तोहफा। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी मंगल फतह के मिशन पर हैं। मंगल पर पानी और ऑक्सीजन की खोज के बाद वहां इंसानी बस्तियां बसाने की मुहिम तेज हो गई है। भारत भी अपनी इस दिशा में बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि भारत के पास मंगल का वो अनमोल खजाना मिला है जिसने नासा की भी धड़कने बढ़ा दी है। ये खबर करोड़ों हिंदुस्तानियों और अंतरिक्ष विज्ञान में भविष्य देखने वालों का दिल गार्डन गार्डन करने वाली है, क्योंकि भारत के गुजरात में मंगल से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। जो इस मार्स मिशन में भारत को कई गुना आगे करने वाला साबित होगा। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह भी उस वक्त आसमान पर पहुंच गया जब ये पता चला कि गुजरात के माता नामढ़ में मंगल ग्रह जैसी सतह मिली है, जहां आकर आपको लगेगा कि आप अपनी धरती के बजाय मंगल ग्रह पर हैं। माता नामढ़ में वैज्ञानिकों का जमावड़ा। गुजरात के कच्छ में माता नामढ़ काफी महत्व रखता है। ये एक धार्मिक स्थल है, लेकिन अब यहाँ मंगल ग्रह जैसी सतह पाई गई है। वैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि मंगल सतह से समानता रखने वाली दुनिया की इकलौती जगह है। इस तथ्य के सामने आने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ शोध के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, IIT खड़गपुर और जियो फिजिकल रिसर्च सेंटर हैदराबाद ने इस पर संयुक्त रूप से शोध करने की बात कही है। IIT खड़गपुर के जियो फिजिक्स के प्रोफेसर साइबल गुप्ता के मुताबिक माता नामढ़ पर रिसर्च भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस अध्ययन से भविष्य में इसरो के मंगल मिशन के दौरान लैंडिंग साइट तय करने में मदद मिलेगी। ठीक यही बात नासा पर भी लागू होने वाली है, जो मंगल पर मानव मिशन लॉन्च करने वाला है। मंगल की सतह से समानता की खबर मिलने के बाद अमेरिका से नासा और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माता नामढ़ की जमीन का मुआयना करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि खनिज विज्ञान पर शोध करने के लिए ये जगह बेहतरीन है। मंगल ग्रह जैसी कैसे है माता नामढ़ की जमीन? प्रोफेसर साइबल गुप्ता के मुताबिक माता नामढ़ की जमीन मंगल ग्रह जैसी दिखती ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से खनिज तत्व भी मंगल जैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोसल्फेट ऑफ पोटेशियम और लौह तत्व के घटकों से जेरोसाइट बनता है, जो मंगल की सतह पर पाया जाता है। माता नामढ़ की जमीन में भी इसकी मौजूदगी पाई गई है। भूशास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर महेश ठक्कर के मुताबिक माता नामढ़ धरती पर इकलौता ऐसा स्थान है जहां बेसाल टेरेन यानी कि काले पत्थर की श्रृंखला में जेरोसाइट की मौजूदगी पाई गई है। माता नामढ़ में क्या कर रहा है इसरो? माता नामढ़ में मंगल जैसी जमीन मिलने पर इसरो वैज्ञानिकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यहाँ करीब 3.5 साल से रिसर्च की जा रही है, जिसमें मात्र 10 लाख रुपए के खर्च से यहाँ दुर्लभ खनिज जेरोसाइट की मौजूदगी वाले स्पॉट को खोजा गया है। इसके लिए आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न पद्धति की मदद ली गई। मंगल जैसी संरचना मिलने के बाद इसरो ने यहाँ अपने रिसर्च का दायरा बढ़ा दिया है। भारतीय वैज्ञानिक अब यहाँ की जमीन के जरिए ही मंगल पर पानी के अस्तित्व की खोज कर रहे हैं कि वहाँ कभी पानी था या नहीं। साथ ही जमीन के जरिए पता लगाया जा रहा है कि मंगल के वातावरण में बदलाव कैसे आता है। मंगल को लेकर चल रहा महासंग्राम। मंगल को लेकर दुनिया की स्पेस एजेंसियों में महासंग्राम देखने को मिल रहा है। अमेरिका जहां मंगल पर बस्तियां बसाने के लिए बेताब है, वहीं रशिया, जापान, चाइना, भारत और यूरोपीय संघ भी इस होड़ में शामिल है। अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सभी देश हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। चाइना तो अपने नागरिक और सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए रशिया और जापान से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, रूस और यूनाइटेड अरब अमीरात की स्पेस एजेंसियां रिकॉर्ड संख्या में रोबोटिक मिशन लॉन्च करने वाली हैं। धरती पर मंगल सबसे नजदीक होगा। प्राइवेट सेक्टर में एलन मस्क की स्पेस एजेंसी SpaceX और रिचर्ड ब्रॉन्सन का वर्जिन ऑर्बिट LLC भी मार्स पर जाने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पड़तालों से वैज्ञानिकों को ये पता चल सकेगा कि मानव ब्रह्मांड में कहीं और रह सकते हैं या नहीं। मंगल को काफी हद तक पृथ्वी के जैसा समझा जाता है और इन मिशनों से और परतें खुल जाएंगी। बेहद खास है अमेरिकी मार्स मिशन। इसी साल नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अपना रोवर भेजेंगे,
जो कि लाल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत तलाशेगा। यही नहीं, नासा का ये महत्वाकांक्षी अभियान भावी मानव मिशंस का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। नासा वैज्ञानिक इस मार्स रोवर का अनावरण कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये रोवर जुलाई में फ्लोरिडा के केप कैनावरल से स्पेस में रवाना होगा। इस लॉन्चिंग के साथ ही मंगल ग्रह पर उतरने वाला पांचवा अमेरिकी रोवर होगा। इसको जीवन के साक्ष्यों का पता लगाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न उपकरणों को भी भेजा जा रहा है ताकि मंगल ग्रह की सतह की प्रकृति को समझने में मदद मिले। वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन से मंगल की सतह पर भौगोलिक एवं रासायनिक स्थिति क्लियर हो पाएगी। इसके लिए रोवर के उपकरणों में 23 कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही मंगल पर चल रही हवाओं को सुनने के लिए 2 श्रवण यंत्र भी लगे हैं। इतना ही नहीं, केमिकल एनालिसिस के लिए ये रोवर लेजर तरंगों से भी लैस है। 3 चरणों में पूरा होगा मार्स 2020 मिशन। नासा के मुताबिक इस मंगल मिशन के तहत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 3 अलग अलग लॉन्च किए जाएंगे। नासा मार्स 2020 के लॉन्चिंग का उद्देश्य मंगल की सतह से नमूनों को इकट्ठा करने का होगा। मार्स रोवर मंगल के महत्वपूर्ण क्षेत्र के नमूनों का संग्रह करेगा। दूसरी लॉन्चिंग सैंपल रिटर्न लैंडर अभियान की होगी, जो उस स्थान के पास एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जहां मूल मंगल अभियान 2020 ने संपर्क किया था। इसमें एक छोटा रोवर छिपी जगह का नमूना इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलेगा। एक बार जब रोवर अपना काम पूरा कर लेगा तो उसके बाद ये प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेगा और नमूनों को मार्स एसेंट व्हीकल से लोड करेगा। फिर MAV खुद ही स्वयं को लॉन्च करेगा और मंगल की कक्षा में बास्केटबॉल की आकार के कंटेनर के साथ चक्कर लगाएगा। आखिरी और तीसरे लॉन्च में अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर छोटे कंटेनर को मंगल की कक्षा से पकड़ने और उसे पृथ्वी पर लाने की कोशिश करेगा। इनसे पृथ्वी पर नमूनों को लाने से उन अध्ययनों में सहूलियत होगी जो छोटे रोवर प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है। वक्त के साथ साथ तकनीक विश्लेषण में सुधार आने से इससे संभवतः भविष्य की खोजों में मदद मिलेगी। भारत बना चुका है रिकॉर्ड। साल 2014 में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। साथ ही अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला देश भारत ही था। 450 करोड़ यानी कि 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से मंगल मिशन शुरू करने वाला भारत दुनिया का अकेला देश है जो सबसे कम खर्च में इस मिशन पर है। चाइना भी लगा रहा है तगड़ी रेस। चाइना अमेरिका से तगड़ी रेस लगा रहा है। चाइना मंगल फतेह के मिशन में ताबड़तोड़ अंदाज से जुटा है। चाइना न केवल मंगल तक पहुंच बनाने में जुटा है बल्कि वो इस ग्रह पर लैंडर उतारने को लेकर तैयारी कर रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी नासा से रेस लगाते हुए इस साल के आखिर तक मंगल तक पहुंचने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इस मिशन को लाल ग्रह पर भेजकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना को स्पेस सुपर पावर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर वे लैंडिंग में कामयाब रहे तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। चीनी वैज्ञानिक 39 मिलियन माइल्स दूर मंगल ग्रह तक पहुंच बनाने को बेताब हैं, जिसे मंदारिन भाषा में हुजिंग या फायर स्टार कहा जाता है। मंगल और पृथ्वी ऑर्बिट में उस समय नजदीक होंगे, ऐसा हर 26 महीने में होता है। 2012 में फेल हो गया था चाइना का मार्स मिशन। चाइना ने 2011 में भी मंगल पर जाने की कोशिश की थी लेकिन तब उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। चाइना ने रूसी रॉकेट के जरिए से मंगल पर एक्सप्लोरेटरी प्रोब युंगुओ 1 भेजने की कोशिश की थी। लॉन्च के कुछ समय बाद ही प्रोब रास्ता भटक गया और बाद में इसके जलने की खबर मिली थी। लेकिन अब इसी साल गर्मियों में चाइना दूसरा प्रयास करेगा। अगर ये प्रयास सफल रहा तो एक ऑर्बिटर मंगल की परिक्रमा करेगा और रोवर सतह पर उतरेगा। इस यात्रा में 7 महीने लगेंगे। एक विशेषज्ञ ने कहा कि चाइना का मिशन बेहद जटिल है, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। अगर इसमें सफलता मिली तो चाइना के स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ी सफलता होगी। चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट विकसित किया है जो 7 महीने की यात्रा के बाद लैंडर को मंगल पर पहुंचाएगा। मंगल मिशन के डिजाइनर जैंग रोकिंगयांग के मुताबिक मंगल पर पहुंचने में 7 महीने जबकि लैंडिंग में 7 मिनट का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि मंगल पर लैंडिंग सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण चरण है।